नमस्कार, फूड गुरु टू से आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो चलिए आज हम बनाते हैं कैरमलाइज्ड बनाना डेजर्ट। तो सबसे पहले हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम इस तरह से चीनी छोड़ देंगे थोड़ी सी, ये आधा कटोरी। इसी के साथ हमने हनी डाल देना है। हनी आप अपने हिसाब से डालिए, हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के हनी डालते हैं और इसे हम कैरमलाइज कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसे इस तरह से चलाते हुए कैरमलाइज कर लेंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती पूरी तरह। चलिए देखिए ये करीब करीब होता जा रहा है। इसके अंदर हम देसी घी छोड़ देते हैं। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, इसमें बटर भी डाला जाता है, बट हमने देसी घी डाला है। अब जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, हम ये 2 बड़े बनाना है इन्हें काट लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे देखिए हमने ये बनाना 2 थे जो बड़े साइज के काट लिए हैं और इसे हम अभी इसके अंदर डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब तक ये पूरी तरह से कैरमलाइज नहीं होते हैं इसे चलाते रहना है और साथ साथ रोस्ट भी हो जाते हैं। ये हमारा कैरमलाइज बनाना बनके डेजर्ट रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद करते हैं और इसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं। चलिए हमारा ये कैरमलाइज बनाना रेडी हो गया। अब हम इस ये ट्रांसफ़र कर देंगे इस प्लेट के अंदर आराम के साथ। बहुत ही बढ़िया कलर आ गया और ये पूरी तरह से अच्छी तरह पक गया है। तो बस इसे हमने ऐसे ट्रांसफ़र कर लिया है, ये नॉर्मल भी थोड़ा हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर चिल्ड मिल्क, ठंडा दूध हमने रखा है, इसमें चिल्ड मिल्क ही डाला जाता है। ये हमने डाल देना है, आपको जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हैं मिल्क। हल्का सा इसे इस तरह मिक्स कर लीजिए। बस अब ये रेडी हो गया है। इसके ऊपर से हमने कटे हुए पिस्ते थोड़े से डाल देने हैं और इसे आप चिल्ड खा सकते हैं या थोड़ी देर आप इसे डीप फ्रीज़र में रखिए, उसके बाद सेटल हो जाएगा, फिर आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, तो आप घर में ट्राई कीजिए और बताइए आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए एक और हेल्दी रेसिपी में फिर से आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।